और तुम सब अभी देख सकते लाइव में, क्या यहाँ से लोगों को फैज मिलता, क्या ये दर से लोगों को अल्लाह राइट करता क्या नहीं करता, अब तुम खुद देखो। जरा इधर पैर की तरफ कैमरा मारो, देखो सूख गया जख्म, सूखना चालू होगा, जरा सा बचा वो भी सूख जाता है 1-2%। ये पूरा सूखते सूखते आगा, पहले कितना बनल था। अब दूसरा इधर के पैर पे मारो, ये इसको बताओ जरा सीधा, ये देखो यहाँ जख्म। कैमरा मैन जरा सीधा बैठो तुम नीचे से, और सही तरीके से लो कैमरे को नीचे, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो। अब उसको आड़ा पकड़ो, ऐसा कौन सा तरीका है कैमरे से शूटिंग लेने का। ये जो है तो देखो सूख गया, दिखा तो कैसा। चलो खड़े रहो, मेरे तरफ मारो थोड़ा, दोनों तो पैर उधर कर रहे बाबा, ये देखो पैरों की तरफ मारो, देखो सूख गया। अब सुनो पेशेंट की जबानी, बोलो कितने परसेंट फर्क हुआ तुम्हें यहाँ आने के बाद, कहीं गुना आ रहा है। एक पैर तो पूरा सड़ गया था, उसमें जंतु गिरे थे, और ये पैर को भी फुंसी आई थी, जंतु बोले तो कीड़े, कीड़े गिरे थे, और ये पैर को भी फुंसी आई थी, उसके वजह से पैर बहुत फुला था 1 महीने बाद पहले, तो चलते भी नहीं आ रहा था, सांडास को भी बैठते नहीं आ रहा था, पेशाब को भी त्रास था। दवा खाने करे थे नहीं करे थे? दवा खाने तो 6 साल से करे थे ये पैर के लिए, तो ये पैर के वजह से 6 साल से दवा खाना चालू था, तो कुछ फर्क नहीं गिरा मेरे को दवा खाने। अब बाद में दुआ पानी तंत्र मंत्र भी वो भी किए थे बाबा लोग, भी बहुत देखे, बहुत जगह पैसा दिया, बहुत ये किया वो किया, कि फर्क नहीं गिरा था। दो तीन दिन गिरता था, फिर वो अंदर से जख्म ओली रहती थी, ओली रहती थी, उसका बास आता था, पैर का बास आता था, सड़े हुए चूहे जैसा बात। यहाँ आने के बाद क्या क्या गुण आया? यहाँ आने के बाद ये जख्म पूरा सूख गया, आलिया बंद सूख गया पूरा जख्म, ये जो मसला है इनका जो मामला था, पेशेंट को लाए थे आज से ठीक 1 महीना पहले, फिर उसके बाद अब आए उनके दूसरे राउंड को, तो पहले महीने में मैंने उसके आंग में हाजिर भी करके बताया था क्या चीज है, कौन सी दुष्ट शक्ति है, कौन सी निगेटिविटीज है, कौन सी पेन एनामल एक्टिविटीज है जो उसको परेशान कर रही थी, एक्स वाई जेड। सामने तो नहीं आई कभी, उसके आंग में हाजिर नहीं होता, हाजिर यहाँ छुआ था फर्स्ट टाइम में, मैंने हाजिर करा था फर्स्ट टाइम आए थे उन्होंने, और उसका पैर पहला तो सड़ा दिए थे पूरा, पट्टियां वट्टियां सब लग गए थे उसमें, सब तुम चेक कर सकते। बाकी दूसरे राउंड में, और दूसरा पैर भी उसका पकड़ रहा था, दूसरे पैर को भी सड़ाना चालू कर दिया था, इनको लग रहा था कोई बीमारी है, उन सब तरफ लेकर फिर रहे थे, लेकिन उनको क्या फर्क हुआ क्या नहीं हुआ था उनके जबानी पूछो दूसरे तरफ। बाकी मेरे पास आने के बाद यहाँ अल्लाह के कलाम से कैसा फैज मिला उनको, तुम्हारे सामने की बात है, और तुम सब अभी देख सकते लाइव में, क्या यहाँ से लोगों को फैज मिलता, क्या ये दर से लोगों को अल्लाह राइट करता क्या नहीं करता, अब तुम खुद देखो। जरा इधर पैर की तरफ कैमरा मारो, देखो सूख गया जख्म, सूखना चालू होगा, अब जरा सा बचा वो भी सूख जाता है 1-2%। ये पूरा सूखते सूखते आगा, पहले कितना बनल था। अब दूसरा इधर के पैर पे मारो, ये इसको बताओ जरा सीधा, ये देखो यहाँ जख्म। कैमरा मैन जरा सीधा बैठो तुम नीचे से, और सही तरीके से लो कैमरे को नीचे, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो। अब उसको आड़ा पकड़ो, ऐसा कौन सा तरीका है कैमरे से शूटिंग लेने का। ये जो है तो देखो सूख गया, दिखा तो कैसा। चलो खड़े रहो, मेरे तरफ मारो थोड़ा, दोनों तो पैर उधर कर रहे बाबा, ये देखो पैरों की तरफ मारो, देखो सूख गया। अब सुनो पेशेंट की जबानी, बोलो कितने परसेंट फर्क हुआ तुम्हें यहाँ आने के बाद, कहीं गुना आ रहा है आया नहीं आया तबीयत में? आला रहा 50% गुना आला है। चलता ये थे, हिंदी बोलो, पूरा वर्ल्ड सुन रहा, अभी चलना आ रहा है। पहले दोनों पैर फूले थे, एक पैर तो पूरा सड़ गया था, उसमें जंतु गिरे थे, और ये पैर को भी फुंसी आई थी, जंतु बोले तो कीड़े, कीड़े गिरे थे, और ये पैर को भी फुंसी आई थी, उसके वजह से पैर बहुत फुला था 1 महीने बाद पहले, तो चलते भी नहीं आ रहा था, सांडास को भी बैठते नहीं आ रहा था, पेशाब को भी त्रास था। दवा खाने करे थे नहीं करे थे? दवा खाने तो 6 साल से करे थे ये पैर के लिए, तो ये पैर के वजह से 6 साल से दवा खाना चालू था, तो कुछ फर्क नहीं गिरा मेरे को दवा खाने। अब बाद में दुआ पानी तंत्र मंत्र भी वो भी किए थे बाबा लोग, भी बहुत देखे, बहुत जगह पैसा दिया, बहुत ये किया वो किया, कि फर्क नहीं गिरा था। दो तीन दिन गिरता था, फिर वो अंदर से जख्म ओली रहती थी, अच्छा ओली रहती थी, उसका बास आता था, पैर का बास आता था,
सड़े हुए चूहे जैसा बात। यहाँ यहाँ आने के बाद क्या क्या गुण आया? यहाँ आने के बाद ये जख्म पूरा सूख गया, आलिया बंद हो गए, आलिया बंद सूख गया पूरा जख्म। छह साल से जख्म था ये पैर को, किधर ही नहीं सूख रहा था। ये महीने कितने साल से था? छह साल से कहीं सूखा था? नहीं नहीं सूखा था, कहीं नहीं सूखा। तो ये सूख गया और खाली अभी थोड़ा सूजे नहीं पैर को चलता। हाँ, वो भी उतर जाएंगे, भी उतरते उतर। कितने बार में आने के बाद यहाँ राइट हुआ तुम्हारा? अभी ये दूसरा चक्कर है। हाँ, कितने दिन के बाद दूसरी चक्कर है? 30 दिन हो गए, एक महीने कम्प्लीट। हाँ, अच्छा, लोग बोलते कि मेरी फीस है 12 लाख 15 लाख। अब पूछेंगे इनसे लायू में कि इन्होंने मुझे अंदर पर्सनली कितने पैसे दिए? 12 लाख में से कितने दिए तुमने मुझे? 5 लाख दिए? नहीं, खाली 900 रूपए दिए था। हाँ, वो भी काउंसलिंग की फीस, वो भी फी दिया था, अंदर कुछ 1 रूपए भी नहीं दिया। हाँ, और मुझे 2 लाख तो दिए होंगे, तो 12 लाख से गिरते गिरते 2 लाख तो जाएंगे। कुछ नहीं, वर्ड सुन रहा तुम? नहीं, 900 रूपए बाहर फी भरी थी, बाकी कुछ नहीं दिया, 1 रूपए नहीं दिया। हाँ, वो काउंसलिंग की फीस रहती, 100 रूपए फॉर्म भरने के लिए रहते, बाकी इतर की बॉटल, पानी की बॉटल, स्प्रे की बॉटल तुमको नहीं खरीद के लाना पड़ता दुकान से, उसके 300 रूपए रहते, और बाकी उलंगर को काउंसलिंग को डोनेशन रहता 500 रूपए। हम तो लेते नहीं, 1 रूपया भी नहीं लेता मैं। अब बताओ, तुम्हारा सामान तुम लाके घर को ले जाके अमल करना, जो भी मैं लिख कर दूंगा। तो अब उनको जो भी दिया मैंने लिख कर, उन्होंने दुकान से लाए घर को लेके अमल करे, बरोबर? तो मेरा क्या है उसमें? और दूसरी बात, मिला फैज दिया अल्लाह ने राहत, दवा खानों में, दवा गोलियों में, दुआ पानी सब जगह उन्होंने लगाए पहले पैसा, मगर क्या गुण आया था कि उनके तबीयत में नहीं? लाखों रुपए बर्बाद हो गए उनके गरीबी में, मगर कुछ आया था क्या? गुण नहीं। ये देखो, ये कलाम इलाही का मौजजा है, ये अल्लाह के कलाम की ताकत है। और कलाम ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के वास्ते उतरा, वो सारे आलम के जितने इंसान आए उनके लिए उतरे आई ना, इंसानियत की किताब है ना, इंसानियत के वास्ते रहमतुल्लामीन बनाकर अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा। तो ऐसा ये इधर ऐसा है कि यहाँ से सबको फर्क मिलता, यहाँ से सबको फैज मिलता। यहाँ मेरे पास में कोई जातिवाद, कोई भेदभाव ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास लंगर भी चलता जिसमें फ्री में खाना खिलाते लोगों को, शुद्ध शाकाहारी, उसमें मांस मच्छी अंडा ऐसा नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि भाई कोई और जात का इंसान आया तो उसको तो मांस मच्छी अंडे से परहेज रहेगा ना। तो इसलिए यहाँ सब धर्म के हिसाब से एकदम तुम्हारा शुद्ध शाकाहारी प्योर वेजिटेरियन खाना, इसलिए कि कोई यहाँ से खाली भी नहीं जाना और भूखा पैसा भी नहीं जाना बोलकर चलता। अब वो बाहर तुम खाओ या ना खाओ तुम्हारी मर्जी, मगर हमारे हिसाब से तुम चलाते। और एक बात ये भी है कि अब उनको देखो, तुमको मैं बता दिया लाइव में सामने पूछा के सब बातें। बाकी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दवा खाना मत बताओ, दवा गोली मत करो। लोगों समझो, तुम्हारा अगर पेट दुख रहा तो दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, वो बोलेगा तुम सटिया गए क्या, मैं दिमाग का डॉक्टर हूँ, पेट दुख रहा तो जाओ पेट वाले डॉक्टर को बताओ, उन्हें तुमको मेडिसिन देगा। दिल में दर्द हो रहा और हार्ट स्पेशलिस्ट को नहीं बता रहे, अर्थो स्पेशलिस्ट के पास जाके बोलेंगे मेरे दिल में दर्द हो रहा मेरे को दवा दो, तो उन्हें बोलेंगे मैं हड्डी टूटी तो हड्डी जोड़ सकता, हड्डी निकाल सकता, हड्डी का ऑपरेशन कर सकता, अर्थो स्पेशलिस्ट, बट मैं नहीं हूँ हार्ट स्पेशलिस्ट, तुम हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाओ। तो सबके अलग अलग अल्लाह ने उसके अंदर वो रखा है, हर किसी को एक महारत देकर। तुम बोलेंगे कि नहीं मेरी हड्डी फ्रैक्चर होगी, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके प्लास्टर करूंगा, तो करता हूं फिर उल्टा डिल्टा हो जाता, फिर उसका स्पेशलिस्ट नहीं है ना। तो इसलिए सबके अलग अलग अल्लाह ने रखा। जहां तुमको दवा गोली कार नहीं कर रही, पहले दवा गोली ही लेना है, पहले दवा खाना ही जाना है तुमको, क्योंकि इंसान की फितरत भी ये है कि उसको अगर कुछ तकलीफ हो तो पहले दवा खाना जाता, नेचर के हिसाब से भी उन्हें दवा खाना जाता। पहले वैद्य हकीम ये लोग रहते थे, अब डॉक्टर है, पहले उन्हें हॉस्पिटल जाता, दवा खाना जाता, वैद्य के पास जाता, हकीम के पास जाता, जहां उसको समाधान राहत फैज नहीं मिला तो फिर उन्हें परेशान हो जाता। वो बोलता कि इतने दवा गोली खाने के बाद क्यों असर नहीं हो रहा, फिर उन्हें दुआ के पास जाता, यानी कि ईश्वर से कनेक्ट होने जाता। तो पहले दवा रहती फिर दुआ रहती। तुम बोलेंगे पहले दुआ करो तो दुआ कहां से पहले बीमारी, पहले तुम दवा लो, जहां दवा फेल हो जाती वहां दुआ काम करती। तो ये सब बातें हैं, बाकी जाहिलाना पना नहीं करना, मैं भारी मैं बोल दिया ऐसा दावे नहीं करना फजूल के। और दूसरी बात, उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं भटके होंगे और किस किस के पास नहीं गए होंगे, छोटे मोटे इलाज वालों के, स्वामियों के, महाराजों के, डॉक्टरों के, सबके पास, वैद्यों के, हकीमों के जाके आ गए, मगर फैज नहीं। फैज दिया अल्लाह ने उनको इस दर से,
तुम्हारे सामने लायू में है, देख लो। पहले का भी वीडियो है और नेट पे उसके आंग में लाके पूछा आया था, कोई भला थी। और भानामती का में बहुत सारे सात किस्म के रहते, बहुत सारे अलग अलग वार है, तुमको बोलता भूल के तो नहीं बोलता, मगर इन शॉर्ट में समझो, सहर जादू कुरान में फरमा दिया अल्लाह ने कि वो खराब है, उसके करीब मत जाओ और सीखो मत, और सीख कर लोगों को परेशान मत करो। बहुत जगह जिक्र आया और हमको तो मानना ही पड़ेगा, जो चीज है तो है, ईश्वर है तो है, शैतान है तो है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी है, जहाँ दर्द है वहाँ सुकून भी है। तो ये सब बातों को तुमको वो भी तो है ना भाई, मैं तुमको इनडायरेक्टली थोड़ी बोल रहा हूँ, मानो मानो, देखो देखो, मैं मानो नहीं बोलता, मानो या ना मानो अपने आंखों से देखो सामने। यहाँ पर ये अल्लाह के कलाम का मौजजा है। मैं क्या मेरी जबान ही बोला क्या, मैं क्या उसको प्रेशर डाल के बोलने लगा, तुम सामने देख लो और उसको पहले का भी वीडियो देखो, पैरा कैसे सड़े डालते, बात का भी देखो। ये अल्लाह के कलाम की ताकत है। हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल हुआ तुमको जो इतनी बड़ी कलाम इलाही किताब अता किया और उससे फैज भी जारी रखा पूरे दुनिया आखिरत में हर जगह। तो लोगो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मैं सबको यही बोलता हूँ, तुम्हारे घर में तकलीफ है तो तुमको मालूम है क्या तकलीफ है, तुम्हारे परिवार को मालूम है क्या तकलीफ है। बाजू वाला तकलीफ का एहसास नहीं कर सकता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बच्चा कोई भी बीमार है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता, ना कोई कमाने में ध्यान लगता, ना किसका खाने में लगता, उन्हें कब कब अच्छा होगा ऐसा सोचते। तो इसलिए तुम पहले, मैं तुमको बार बार यही बोलूंगा कि एक दूसरे के ऊपर हरकतें करके एक दूसरे को परेशान करते नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तुम ईश्वर के नजरों से गिर जाएंगे तो कहाँ जाके उठेंगे फिर, कौन तुम्हारे को राइट वो करेगा बाद में। आगे तो सबको मालूम ना, हर धर्म के अंदर बोलते हैं ना कि अंतिम दौर है, अंतिम दौर के बाद में तुम्हारा फैसला लिया जाएगा, वो कयामत आने वाली है, कयामत में सबको जिंदा डबल से किया जाएगा और हिसाब किताब लेंगे। जब मरने के बाद तो ईश्वर को मुंह बताना है, वो ईश्वर का नाम अल्लाह है, उसको गॉड बोलते, वो ईश्वर उसको फारसी में उर्दू में खुदा बोलते, और वही खुदा के सामने तुमको अल्लाह के जाना और मुंह बताना है। मैं भगवान नहीं बोल रहा हूँ, भगवान अलग है, देवी देव अलग है, देवी देव भगवान वो सब नीचे की क्या डिग्री, आखिरी लेवल पे जो ईश्वर है जिसको सिर्फ महसूस किया जाता, जिसको कोई देखा नहीं सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, और बाकी क्या बोलते तो उसको महसूस किया जाता, वो हर कण कण में धरती के मौजूद है, जर्रे जर्रे के अंदर उसको महसूस करो, हर पाक जगह में मौजूद है और गलीज जगह में शैतान मौजूद रहता। और दूसरी बात कि ऐसी अपने दिमाग से गंदगी निकालो, लोगों तुम एक दूसरे के ऊपर जादू टोने करेंगे, हरकतें करेंगे बुरे, ऐसे करके सबके जिंदगियां बर्बाद कर देंगे तो क्या होगा। अब उसके पैर कुछ साल तक सड़ते थे, बाद में डॉक्टर उसको निकाल देते थे, उसमें उसकी जान चले जाती थी। अब बताओ मैंने कैसा कार्य किया, लोगो तुम जस्टिफाई करो कि मैंने अच्छा किया क्या बुरा किया, उसकी जान बचाया कि नहीं बचाया, और लायू में तुम्हारे सामने है या नहीं है, क्या मैंने भेदभाव करा या कुछ करा, कुछ भी नहीं है। सूफी मूवमेंट का दर है, ये अल्लाह वालों का दर है, और अल्लाह वाले जो रहते तो वो सबको एक समान लेके चलते और सबको एक समान देखते। अब उनके दिल से तुम पूछो कि उनको कितना फायदा, तुम्हारा को बता दिया ना सामने, जो उन्होंने कौन से गाँव से आए थे, तुम्हारा को हिंदी आती बोलने, नासिक, तो मराठी में बोलो कैसा लगा, फर्क हुआ उसको सब, अच्छा फर्क पड़ा, मराठी मत इधर जाओ, इधर से देख के बोलो, तुम आपको वर्ल्ड देख रहा, हाँ फर्क पड़ा हो, किती परसेंट झाला फरक तेला, हाँ 50% पड़ा, चला ही नहीं गेले मागले महिने, चलने नहीं आता था उसको, नहीं हाँ, और क्या होता था, संडास लागला सही नहीं गेले, हाँ बहुत तकलीफ हो रही थी, जागे वॉशरूम को पडने नहीं आ रहा था, तर आता कसा लागला तुम्हाला, बरं वाटलं, हाँ बरं वाटलं म्हणून चालत नव्हतं पण, काही तर तुमच्या सोबत काय भेदभाव काय केले का, नाही ना, तो ऐसा है, ये जो है ये सूफी मूवमेंट का दर है, अल्लाह के फजल करम से यहाँ से अल्लाह सबको फैज देता, ये इमाम हुसैन और हसन की औलाद, उसके फैज नहीं पहुंचेगा दुनिया को तो किसके हाथ से पहुंचेगा, क्या यजीद के बच्चों के हाथ से फैज पहुंचेगा, नालायक हो यजीद की औलाद हो, तुम आपको खाली क्या बोलते, तो बुरा सोचने और बुरा करने चाहता दुनिया में, दूसरा कुछ नहीं। वो देखो हमारे बाप दादा करबला के अंदर शहीद हो गए अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते, और लोगों से वो जालिमों से बदला लेने की भी नहीं सोचे, और आज भी अल्लाह क्या बोलता, और दीन को महफूज कर गए, बच्चा बच्चा कुर्बान कर गए राय फी सबीलिल्लाह, और दीन इस्लाम को महफूज कर गए, और आज भी अल्लाह उनकी क्या बोलते तो नस्लों से वो काम लेता कि पूरे दुनिया को फैज पहुंचाता। बाकी यजीद के बच्चे भी है दुनिया में, फिरौन के भी होंगे, शद्दाद के भी होंगे, नमरूद के भी होंगे, वो सहमत देते रहते, वो लड़ाते रहते पूरे दुनिया को, जंगा फसादा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चन तुम लड़ो, सब आपस में मजे करते रहते शुरू से, जो उनके बाप दादाओं का खून रहेगा ना उनके अंदर, जात जाति जात पे दराती जाति घास पे बुलेट लाइन जो है, तो बुलेट लाइन का भी कुछ मतलब रहता ना, शेर को बच्चे शेर के पैदा होंगे और कुत्ते को बच्चे कुत्ते के पैदा होंगे, कुत्ते को तुम कितना भी कलर दे के लेके चलो भला, उन्हें खंभा देखते टांग उठा देता,
और शेर के बच्चे को तुम कितना भी कलर दो, हजरत अली को अल्लाह ने कह दिया था कि कह दो अली असदुल्लाह है, अली अल्लाह का शेर है, तो अली के बच्चे तो शेर ही रहेंगे ना। और कहीं पर भी जाओ तुम शेर को लेके, शेर को तुम लाख पेंट कर दो, कुत्ते की पेंट कर दो, उसके ऊपर पूरा मुंह डुप्लीकेट लगा दो, उन्हें जब खंगारेगा तो पता चल जाएगा कि शेर है। और कुत्ते को लाख तुम पेंट करके टाइगर बना के ले जाओ या बब्बर शेर बना के ले जाओ, तो वो जाने के बाद टांग उठा के मुंह देता खंबे के पास में, समझ में आ जाता है कुत्ता है, और समझ में आता है शेर तो खून है ना, वो नस्ल है ना, वो जात जाति जात पे दराती जाती घास पे, फिर कहां से तुम आपको ये लोग फैस पहुंचेगी, जहमत देते तुम आपको बर्बाद करते ले जाके खट्टों में। बहुत सारे बातें, मैं सब लास्ट का कंक्लूजन ये बोलता हूँ तुम्हारा मेरे सब तेरी का, इबादत ज्यादा से ज्यादा करो लोगो, अल्लाह रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई कुरान सुन सकता, सूरह बकरा सुन सकता, सूरह यासीन सुन सकता, रहमान जितनी फजीलत उस चीजों की मैं बयान नहीं कर सकता, तुम सुनो घर के अंदर जोर से सुबह सुबह बजाया करो, सूरह बकरा तो बजाओ कम से कम एक घंटा सवा घंटे करता, तुम्हारे घर से सारी निगेटिविटीज सारी पेन अनॉर्मल एक्टिविटीज निकल के भाग जाती, और वहां तुम्हारे यहाँ रहमत और अजमत बरसती अल्लाह की, तुम खुद महसूस होगा। मैं तुमको गलत थोड़ी बोल रहा हूँ और ना तुमको कुछ वो बता रहा हूँ, अच्छी ही बातें बता रहा हूँ ना, कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से आए थे जोर से बोलो। चलो ठीक है, रोको।